KP, what's up? Fine, buddy. How are you? I'm good. I'm good. Long time. Have you? Thanks for coming live. Anytime, bro. Anytime. Okay. So इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सबको पता है अभिषेक नायर बहुत सारे रणजी ट्रॉफी जीते हैं और जितना बोलना चाहे उतना कम है. एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन इंडिया. More than 9,000 runs plus 300 wickets. And सबको पता है अभिषेक नायर इंडिया के लिए भी वनडे इंटरनेशनल खेले, वेस्ट जोन, हम दोनों एक साथ भी वेस्ट जोन खेले थे. और आईपीएल में मुंबई इंडियंस, किंग्स 11 पंजाब, सनराइजर हैदराबाद एंड पुणे वॉरियर्स के लिए भी खेल चुके हैं. तो नायर जी, तो मुझे पूछना है आपका जर्नी कैसा था, मतलब आप कौन से एज में स्टार्ट किया और रणजी ट्रॉफी का आपका जर्नी बताओ. मैंने एक्चुअली काफी छोटा था यार जब मैंने शुरू किया था क्रिकेट. मुझे याद है मैं पहले बॉम्बे स्कॉटिश में हुआ करता था, जो क्रिकेट के लिए इतना जाना नहीं जाता है. और उस समय मैं फुटबॉल ज्यादा खेलता था, तो मैं फुटबॉल का शौकीन था और मुझे एक्चुअली फुटबॉल खेलना था, ना कि मुझे पता नहीं था कि फुटबॉल में कुछ आगे उस समय करियर नहीं था. तो मुझे याद है कि मैं मेरे फुटबॉल के कोच ने मेरे आके पिताजी को बोला था कि यार आप इसको कलकत्ता के लिए भेजते हो फुटबॉल खेलने के लिए, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं. तो मेरे डैड ने बोला अरे फुटबॉल खेलेगा नहीं, उसमें पैसा नहीं है, करियर नहीं है, तो ये क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल नहीं खेलेगा. तो उस समय मेरे डैड ने मुझे क्रिकेट में डाला. तो मुझे आचरेकर सर के पास भेजते थे प्रैक्टिस करने, कल्पना मैडम थी उनकी बेटी जो संभालती थी उस समय, और मैंने क्रिकेट शुरू की. फिर 7वीं में मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि यार इसको हम क्रिकेट तो बॉम्बे स्कॉटिश में होगा नहीं, तो उसको शारदाश्रम में डाल देते हैं, आचरेकर सर भी है और मैं शिवाजी पार्क में रहता था, तो वो शिफ्ट हुआ क्रिकेट में और वहां से मेरा शुरुआत होगा क्रिकेट में. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, बट मेरे पेरेंट्स ने बोला यार पढ़ाई में तो कुछ करेगा नहीं है, इसको इतना दिमाग नहीं है, तो इसको कुछ खेल कूद में करा देते हैं और बाकी तो हिस्ट्री है. उसके बाद काफी लकी था मैं, मुझे अच्छे कोचेस मिले. चूरी सर थे, प्रवीण आमरे थे, चंदू सर मिले, नाना सर मिले, काफी अच्छे कोचेस मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया. किंजल सूरतवाला जिन्होंने मुझे मेंटोर किया. तो मेरे हर जर्नी पे मुझे ऐसे लोग मिले जिनकी वजह से मुझे ऐसा जब भी मेरे लाइफ में ऐसा मुझे लगा कि यार कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो सपोर्ट करने के लिए या मुझे समझाने के लिए या दिशा देने के लिए कोई ना कोई था, जिसकी वजह से आगे जाके मैं खेल पाया, मेरा मानना है. और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पास अच्छे टीममेट थे. मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी को अच्छा खेलने के लिए तो बाहर का सपोर्ट रहता है, लेकिन अगर ग्राउंड पे आपके पास अच्छे खिलाड़ी ना हो साथ में, और ऐसे खिलाड़ी ना हो जो चाहते हैं आप अच्छा करें, तो काफी मुश्किल होता है. तो मेरे पास अच्छे टीममेट थे जो अभी भी मेरे अच्छे दोस्त है, जिसकी वजह से मैं जो भी कुछ कर पाया क्रिकेट में मैंने किया. ओके, तो सबको बताना चाहूँ कि फर्स्ट टाइम हम मिले थे बुच्ची बाबू में, जब मैं अंडर 19 से जस्ट रणजी ट्रॉफी में शायद आया था मैं, और नॉर्मली नायर ही अपन मिले नहीं थे वो टाइम में, और सीधा हम लोग बुच्ची बाबू के टूर में मिले थे और नायर कैप्टन था. और वो टाइम में मतलब पहली बार मुलाकात हुई थी, और नायर सबको पता है कि मतलब उनका जो स्पीचेस एकदम मोटिवेशनल रहते, तो उसके लिए बहुत माने जाते हैं. हमेशा हर मीटिंग में नायर ही कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते कि सबको मोटिवेट कर देता है. तो पहली मुलाकात तो वो थी, बाद में एज अ बैट्समैन बोला तो सबको पता ही है. और एक इंसिडेंट था, मतलब एज अ जूनियर से सीनियर क्रिकेट का मेरा पहला इंसिडेंट था कि फाइनल जब हम खेल रहे थे अगेंस्ट पंजाब, तो वो टाइम में याद नहीं आ रहा किसी ने तो कवर ड्राइव मारा था, मेरे बाजू से बाउंड्री गया था, पॉइंट और कवर्स के बीच में से गया था. तो मैं थोड़ा ही भागा था, पास स्टेप ही भागा था, और जो पॉइंट वाला था वो क्योंकि उसके ज्यादा पास से गया था, तो नॉर्मली अंडर 19 एज ग्रुप में कैसे उसके बाजू से गया है तो मैं थोड़ा भागूंगा. तभी तो मतलब नायरी ने मुझे चिल्लाया था क्योंकि मैं बॉल लेने नहीं गया, मतलब हाफ वे तो बॉल क्योंकि शाइन करने का रहता है, गलती से उसने 1 बाउंस डाला तो शाइन जाएगा. तब वो मेरे लिए पहली बार सीख थी, तब भी मैं थोड़ा मतलब एक्चुअली आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, मतलब जो भी सीनियर्स और कोचेस रहते हैं वो लोग जो भी बोलते तो मैं सीखता हूँ. तो मेरा बोला चलो नया सीखने मिला है कि ऐसा टाइम जाने का। तो जैसे मैं भी खेलते गया तो मैं भी दूसरों को ये बोलते गया, मतलब उन लोग को भी समझ दिया गया हाँ ऐसा भी रहता है कुछ। तो हर मतलब नायरी के साथ मैं 4 सीजन खेला हूँ, चारों साल खेले हम लोग। 4 साल में हम एक बार चैंपियन हुए, एक बार फाइनल में हारे थे और एक बार मतलब हर बार नॉकआउट में तो थे ही। तो मतलब बहुत मजा आया था। और सबको पता है कि नायरी हमेशा इंटेंसिटी, मतलब मैं एक पूछना था मुझे, आप इंटेंसिटी हमेशा हाई रहता है आप ग्राउंड में जब रहते हो, पर जब मैच में आते हो फुल फोकस रहते हो, आप किसी से बात नहीं करते हो, और मैच खत्म होने के बाद फुल हंगामा। तो मतलब क्या है आपका स्विच ऑफ और स्विच ऑन के बारे में बताओ। नहीं एक्चुअली मैं काफी जो भी मैं चीज करता हूँ, और अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड है या मुझे ऐसा किसी चीज से रिजल्ट करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, तो मुझे मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं था, लेकिन मेरा पूरा टैलेंट का मुझे अगर इस्तेमाल करना था तो मुझे काफी फोकस रहना पड़ता था और अपना इंटेंसिटी उतना ऊंचा रखना पड़ता था। इसलिए जब मैं खेलता था तब मेरे पास वो रूम नहीं था कि मैं आराम से खेलूं, या मैं जैसा रोहित खेलते थे काफी बिंदास भी खेलते थे और रन बनाते थे। मुझे अगर मैं अपने 100% या 150% पे ना रहूं तो मैं वैसा खेल नहीं पाता था, चाहे वो मेरा आपने देखा है जाओ, चाहे मेरा ट्रेनिंग हो, चाहे मेरा वो क्रिकेट हो, या चाहे हम फुटी खेल रहे हो। तो कौन सा भी हम गेम खेलते हैं या कभी भी कुछ करते थे, अगर मुझे जीतना है या मुझे उसमें अच्छा करना है तो मुझे हमेशा हाई इंटेंसिटी के साथ करना पड़ता था। और मेरे बिल्डिंग में भी मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ, तो मैं जब शुरू करता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ आराम से खेलने वाला हूँ, बट जैसे जैसे वो विनिंग एटीट्यूड आ जाता है अंदर, तो मेरा इंटेंसिटी काफी बदल जाता है। तो वो मेरा एक हमेशा से मैं मानता हूँ स्किल था, मैंने कुछ किया नहीं ऐसा डेवलप करने के लिए उसे, पर मुझे ये चीज पता था खुद के बारे में कि मेरा टैलेंट का अगर मुझे पूरा इस्तेमाल या भरपेट इस्तेमाल करना है तो मुझे अपने जोन में रहना पड़ेगा। और मैं जानता था मुझे अपने जोन में कब आना है और कैसे आना है और कितने समय तक मुझे रखना है। तो वो चीज में काफी वर्क करता था। मतलब आप भी जब कोचिंग करते हो, आप काफी जूनियर्स को आपने बताया होगा योगा करो, प्राणायाम करो, डिसिप्लिन की बात होती है, आपके रूटीन्स की बात होती है, प्रोसेस की बात होती है। तो मैंने हमेशा से जब से मैं छोटा था इस पे काफी मैंने निर्भर किया और काफी मैंने अपना समय बिताया कि अपना प्रोसेस क्या है, मेरे रूटीन्स क्या है, मुझे अच्छा क्रिकेटर बनना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे किसी से अच्छा बनना है तो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और मुझे क्या और बेहतर करना है। तो मेरी सोच हमेशा से वैसी रही है और इसलिए मेरा इंटेंसिटी हमेशा से हाई है। काफी खिलाड़ी आप भी जानते हो कि कभी कभी मेरे इंटेंसिटी और मेरे बॉडी लैंग्वेज की वजह से उन लोग भी डर जाते हैं, बट मेरा कभी किसी को डराने का ये थॉट प्रोसेस था नहीं। लेकिन मेरा बेस्ट हमेशा से निकला है जब आई बीन एट माई पीक इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, एंड समटाइम जब आप वो इंटेंसिटी दूसरों पर डालने की कोशिश करते हो ऊपर नीचे होता है कभी कभी, बट आई मीन आई ऑलवेज प्लेड माई क्रिकेट दैट वे। नहीं मतलब मैं भी जब पहली बार आपको एक्सपीरियंस किया था, मतलब मालूम नहीं था आप कैसे। नॉर्मली जितने भी सीनियर जो पहले मुंबई क्रिकेट खेले सब मतलब सब लोग भड़कने वाले ही थे, कुछ हो गया तो सीधा एंग्री हो जाते थे, वो उतना मुझे मालूम था। और मैं लकी भी हूँ कि मैं सब टॉप प्लेयर के साथ जो भी इंडिया प्लेयर्स थे, अगरकर, जहीर खान, सचिन तेंदुलकर, जो भी है टॉप क्लास प्लेयर, रमेश पवार, जितना नाम ले उनके साथ मैं खेला हूँ। मैं दोनों एक्सपीरियंस किया, मतलब जो भी सीनियर भी है और जो अभी जो खेल रहे हैं सूर्या अय्यर उनके साथ भी खेला। तो मुझे सिर्फ ये पूछने का था अभी कि आप जब रणजी ट्रॉफी स्क्वाड में आए थे और आपका स्टैंड सबको पता है कि एकदम बड़ा है, बहुत बड़ा भी बड़ा रहेगा और झुके भी रहे। तो किसी ने आपको, मैंने सुना है उतना कि कोई सीनियर प्लेयर आपको कुछ बोला था वो टाइम में कि आप ज्यादा कुछ खेल नहीं सकते ऐसा समथिंग, तो आपको क्या बोला? सीनियर प्लेयर का नहीं, मुझे मेरे करियर में काफी लोगों ने काफी समय पे बोला था कि मैं ज्यादा खेल नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं कि वो समय वो और भी लोग थे, बट उसके पहले मैंने बहुत सुना था, क्योंकि जब मैं 14 खेलता था, अंडर 16 खेलता था, मुझे एक्चुअली मुझे काफी मिक्स्ड रिव्यूज मिलते थे। कोई लोग काफी स्ट्रांगली कहते थे कि तू, तेरे में दम है, तू खेलेगा, और काफी लोग के पास ये व्यू था कि यार ये सिर्फ चीखता चिल्लाता है, ये तो कुछ काम कर नहीं पाएगा। सो देयर वाज ऑलवेज ऐसे हमेशा 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे। तो मैं हमेशा पॉजिटिव की तरह ज्यादा ध्यान देता था, और जो नेगेटिव फीडबैक होता था मैं उसके बारे में सोचता जरूर था और ये सोचता था कि यार इसमें से मेरा फायदा किससे हो सकता है। अगर कोई मुझे कह रहा है कि यार इसका स्टांस बेकार है और ये शॉट खेल नहीं सकता है, तो मैं ये सोचता था यार अच्छा मुझे ये स्टांस में अगर ये शॉट खेलना है या ये शॉट सीखना है तो मुझे क्या करना पड़ता था। तो जो मुझे नेगेटिव फीडबैक मिलता था, और जब मैं रणजी ट्रॉफी में भी आया और काफी नेगेटिविटी मुझे उस समय मिला, मुझे हर्ट जरूर हुआ, लेकिन जब मैंने जाके सोचा उसके बारे में, इट वॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई कुड इम्प्रूव एंड कम बैक एज अ क्रिकेटर। क्योंकि अगर तू सोच, मैं उस समय मुझे सब कहते थे ना यार तू अभिषेक सॉलिड है, तू सॉलिड प्लेयर है, तेरे से अच्छा कोई प्लेयर नहीं। मैं कभी इम्प्रूव होने का सोचता नहीं था क्योंकि इतने लोग मेरे तरफ नेगेटिव थे, क्योंकि इतने लोग मेरे तरफ क्रिटिकल हो या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है, क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग के हिसाब से अलग होता है, उसका पर्सपेक्टिव है वर्सेज आप पर्सपेक्टिव। तो उनका पर्सपेक्टिव के बारे में मैं सोचता था, कभी कभी खराब लगता था, कभी कभी सोचता था यार शायद इससे मैं कुछ इंप्रूव कर सकूं। तो वो साल मुझे काफी कुछ फीडबैक मिला, जिससे मुझे लगा जब मैं वापसी करूंगा तब मुझे ये सब चीज मतलब निगेट करना, अपने गेम में से निकालना मुझे अपने गेम में से। तो मुझे जो एक साल मिला ड्रॉप होने के बाद, उसमें मैंने इतना मेहनत किया, इतना मैंने सोच विचार डाला अपने गेम में। जब वापसी की तब वही क्रिकेटर को लगा अरे यार इसने कुछ तो बेहतर किया। तो मेरा हमेशा से थॉट प्रोसेस था यार अगर नेगेटिविटी मिल रहा है मुझे तो उसको मैं एक्सेप्ट करूं, उससे ना कि ऐसे सोचूं यार ये तो ऐसे बोल रहा है, सोचूं वो क्यों बोल रहा है ऐसे, और अगर मुझे लगा ठीक है तो उस पर मैं कुछ काम करूं, अगर लगा ऐसे बोल रहा है तो मैं नजरअंदाज कर देता था उससे। तो काफी मुझे करियर में केपी मिला है। मुझे ऐसा नहीं कि यार जब मैं इंडिया भी खेला तभी एमएस धोनी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे पता नहीं ये बॉलर है या बैट्समैन। तो ऐसा नहीं कि यार ये इट वाज ओनली टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ माय करियर या रणजी ट्रॉफी में। थ्रू आउट माय करियर एवरीवन हैड अ व्यू अबाउट मी, सो यू नो एज क्रिकेटर्स तू भी जानता है मैं भी जानता हूँ कि हमारे बारे में सबको कोई ना कोई ओपिनियन होता है। जब तू भी खेलता होगा तब भी तेरे बारे में लोग बोलते ये अच्छा है, कोई बोलेगा ये खराब है। तो वो हमेशा होता है, आपका नसीब खराब है। अगर वो आदमी के पास पावर है और आपको सिलेक्ट कर सकता है तो आपका नसीब खराब है, अगर वो नहीं है तो आपका नसीब अच्छा है। सो आई थिंक इट्स जस्ट द फैक्ट ऑफ लाइफ, और वो लाइफ है क्रिकेटर एक स्पोर्ट्स पर्सन का लाइफ है। जितने जल्दी आप एक्सेप्ट करो, जितने जल्दी आप उसमें अपने गेम में सुधार लाओ उतना अच्छा है। उनके बारे में ज्यादा सोच या उनको ज्यादा एनर्जी देख के वो टाइम वेस्ट होता है मेरे ख्याल से। ओके, तो आपके इंजरीज में इंजरीज के बारे में बताओ, क्योंकि आप तो बहुत सारे इंजरीज हुए और आप उसमें बहुत साल खेले भी है। तो पब्लिक को ज्यादा करके थोड़ा भी इंजरी हुआ तो लोग नहीं खेलते। मुझे पता है कि आपको कितना सारा आप पूरा फुल सीजन भी खेले, तो आपका जो पावर के बारे में जरा बताओ, और इंजरीज जब भी हुई और ओपन कम बैक आके आपने परफॉर्मेंस किया तो उसके बारे में बताओ। देख यार अभी कैसा है वो, क्या उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं पता नहीं यार केपी, क्योंकि मेरे लिए मेरे ख्याल से मेरा बिगेस्ट स्ट्रेंथ, अगर मैंने कहा मेरे पास ज्यादा स्किल सेट मेरा अच्छा नहीं था, लेकिन मेरा बिगेस्ट स्ट्रेंथ मेरी सबसे बड़ी ताकत थी मेरा विल पावर अगर मैं कह सकता हूँ, या मेरा मेंटल स्ट्रेंथ। और जब मैं मेंटल स्ट्रेंथ की बात करता हूँ स्पेसिफिकली हाउ टू ओवरकम एडवर्सिटी, मतलब मेरे ख्याल से मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने मुझे वो काफी सिखाया। जो मेरे पर्सनल लाइफ में जो मेरे साथ हुआ था वो मुझे क्रिकेट में मुझे काफी फायदा हुआ, क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेलता था मुझे ऐसा लगता था यार जब मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम है तो क्रिकेट क्या है, तो ये प्रेशर क्या है। तो मुझे कभी जब मैं क्रिकेट खेला तब मुझे वो प्रेशर का इतना एहसास हुआ नहीं, क्योंकि आई हैड टू फेस अ लॉट आउटसाइड ऑफ द फील्ड। सो आई फील आई ऑलवेज टुक इट अप एज अ चैलेंज। आई फील जब मैं कमबैक करता था, वापसी करता था। दूसरा चीज ऐसा था केपी कि हम जैसे खिलाड़ी को मौका ज्यादा मिलता नहीं है। जब आप इंजरी के बाद आते हो, आप भी जानते हो मुंबई टीम में जब आप इंजर्ड होते हो तब आपका नसीब अच्छा अगर किसी ने आपका जगह ले नहीं लिया है। तो काफी समय ऐसा होता था कि मैं इंजरी से वापस आ रहा हूँ और मेरे पीछे दो जन खड़े हैं, जस्ट क्योंकि मैंने पहला अच्छा किया मुझे मौका मिलता था, लेकिन अगर तब मैं अच्छा नहीं करता तो कोई मेरा जगह ले लेता। तो वो सोच की वजह से यार मैं इतना प्रिपेयर करके आता था, इतना खुद को साइक करके आता था कि चाहे कुछ हो ना हो मुझे परफॉर्मेंस करना है। मेरा हमेशा ये सोच होता था, कभी मैं ये नहीं सोचता था यार अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया तो क्या होएगा, मेरा कभी वो सोच था ही नहीं। मेरा सोच था कि यार कोई मेरा जगह लेने की कोशिश कर रहा हो, मैं उसे अपना जगह दूंगा नहीं, और उसे ना देने के लिए अब मुझे क्या करना है, मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, मैं किसके अगेंस्ट खेल रहा हूँ, कौन से बॉलर है, किस तरह के बॉलर है, पिच कैसा हो सकता है, कंडीशंस क्या है, फर्स्ट डे पे क्या हो सकता है। अगर मैंने पहले बॉलिंग किया है और मैंने 30 ओवर बॉलिंग डाला है तो उसके बाद मुझे बैटिंग करना है, तो मुझे किस तरह से मेरा फिटनेस मेंटेन करना है। अगर मुझे उसके बाद अगर मैंने पहले 100 किया है उसके बाद बॉलिंग डालना है तो मेरा फिटनेस क्या होना चाहिए। अगर पिच टर्निंग है और मैं बैटिंग कर रहा हूँ और मैं नीचे बैटिंग कर रहा हूँ और स्पिनर मेरे को डाल रहा है तो मैं क्या शॉट खेलूंगा। तो मैं इतना सोच विचार में घुस जाता था और इतना प्रिपरेशन करता था कि जब मैं आता था मेरे सामने कुछ भी अगर चैलेंज होता था मैं उसके लिए प्रिपेयर अवेयर होता था। तो कहीं ना कहीं मैं उस पर इतना निर्भर करता था अपने प्रिपरेशन पे, अपने सोच पे, अपने विचारों पे कि जब मैं खेलने आता था ना तब मुझे ऐसा लगता था यार ये मेरे से हो सकता है। तो तूने भी देखा रहेगा कि मेरे करियर में जब इजी सिचुएशन आता था तब मैं आसानी से मैं आउट हो जाता था या कुछ उल्टा सुल्टा करता था, लेकिन टफ आता था तब मैं स्विच ऑन होता था क्योंकि मैंने अननोइंगली टफ सिचुएशंस के लिए इतना मेंटली प्रिपेयर किया कि मुझे पता चल जाता था कि मुझे करना क्या है। तो एक इम्पोर्टेंट इनिंग्स मुझे याद है लाहली का, जो मेरा फोर्थ था वो, और फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन था रणजी ट्रॉफी का अगेंस्ट तमिलनाडु। और लाहली का सबको पिच पता है कि अनइवन रहता है, बॉल सीम होते रहता है, क्रैक्स रहते, सीम से ज्यादा क्रैक्स भी बहुत रहते। और वो टाइम में नायरी ने समथिंग अराउंड 30 to 40 रन किए थे कुछ, और लास्ट के 2 विकेट बाकी थे और 20 से 25 रन, क्योंकि वहां पे हम लोग कुछ तो 90 और 8 समथिंग थे, मतलब लो टारगेट था 4th इनिंग में। और नायरी ने वो जो 6 मारा वो पिच पे, मतलब पता भी नहीं था कि वो 6 मारने जाओगे, मतलब क्या हो गया। हर ओवर में शायद 1 रन ही आ रहा था या फिर मेडन जा रहा था, टाइम हो रहा था और अचानक आपने 6 मारा, तो वो एक क्रूशल इनिंग्स था। और मेरा फर्स्ट सीजन जो सेकेंड सीजन उसमें भी आप पूरे रणजी ट्रॉफी में हाईएस्ट स्कोरर थे, बेस्ट ऑलराउंडर आपको मिला था। और मेरे फर्स्ट सीजन में भी आपने लगातार 200 तो मेरे लिए बहुत लकी था केपी। क्या तू मेरे लिए बहुत लकी था। अच्छा ओके, वो सीजन मतलब क्या स्पेशल था, क्योंकि मुझे मालूम है आपने इतने रन वो 2 साल में इतने रन कभी किए नहीं थे, और वो आपको नंबर एक्चुअली बैटिंग ऑर्डर भी अच्छा मिला था, 3 नंबर मिले थे, उसके बाद में वापस आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर का रोल नंबर, पर वो टाइम में आपको 1 नंबर भी अच्छा मिला था। तो जो पहले साल का बात कर रहे तू, वो था जब सुलू सर कोच थे, तब मुझे 3 नंबर बैटिंग कराया था उन्होंने। तो वो साल मैंने एक डबल 100 किया था और उसके बाद एक 190 2-3 बड़े स्कोर किए थे और फिर इंजर्ड हो गया था मैं, क्योंकि 4 मैच में लगभग 600 रन 650 रन बनाए थे मैंने। उसके बाद वाला साल जब अजीत कैप्टन बना, जो साल की बात कर रहे तू, उस साल में मुझे वो अजीत 7 नंबर पे बैटिंग करा रहा था, तो नीचे था। तो मैंने हाल ही में रन काफी बनाए, लेकिन उसमें अगर तू देखेगा काफी नॉट आउट्स थे। तो मेरा एंड ऑफ द सीजन एवरेज कुछ 90 कुछ ऐसा कुछ एवरेज था। बट आई थिंक अगर मैं तेरे को सच बोलूंगा, ऑनेस्टली बोलूंगा, तो मेरा एक ही जवाब रहेगा, मुझे आईपीएल में अच्छा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। तो दैट वाज माय होल, और ये सच है बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रिमेंबर आई वाज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक इन द इंडियन टीम। मैं सोच रहा था मुझे इंडियन टीम में वापसी करना है। तो मुझे पता था कि यार इतने साल रणजी ट्रॉफी में अच्छा करने के बाद आपको रणजी ट्रॉफी के ऊपर कोई सिलेक्ट नहीं करने वाला है। तो मुझे क्या चाहिए था कि मैं कोई ऐसे टीम में जाऊं जहां मैं अच्छा प्रदर्शन आईपीएल में कर सकूं। उसके लिए मुझे मेरा डोमेस्टिक सीजन स्ट्रांग चाहिए, ऐसा था कि मेरा डोमेस्टिक सीजन अच्छा चाहिए। इसीलिए मैंने वो साल बहुत मेहनत किया था, मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा मेहनत किया था। और मेरे दिमाग में एक ही था कि यार मुझे आईपीएल में अच्छा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ताकि मैं इंडियन टीम में वापसी करूं। सो माय होल ईयर प्रोसेस वाज, एवरी गेम वाज अबाउट स्कोरिंग रन्स, चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, मुझे रन करना है और मुझे रणजी ट्रॉफी जीतना था। क्योंकि मैं जानता था कि चैंपियन टीम के साथ जब आप रहते हो तब आपका सिलेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमेशा से मेरे जहन में एक चीज थी कि यार मुझे आके रन बनाना है। और पिछले साल में मैंने कहा 4 मैच में 600 रन बनाए थे और फिर इंजर्ड हो गया था। और वो साल मुझे ऐसा दिख रहा था यार कि मैं वो साल में 1000 रन के ऊपर कर सकूं। तो मैं कहीं ना कहीं सोचता था लास्ट ईयर भी मेरे साथ ऐसे हुआ, ये साल मुझे कुछ भी करके उतने रन बनाने ही है और वापसी करना है। खैर वापसी हुई नहीं, लेकिन एटलीस्ट आई वॉज वेरी वेरी क्लोज टू प्लेइंग फॉर इंडिया अगेन एंड आई गॉट माई अपॉर्चुनिटीज इन दी आईपीएल बिकॉज ऑफ दैट। तो मेरा सोच एक्चुअली वॉज कमिंग मोर फ्रॉम दैट। तो जो लाली का इनिंग की बात कर रहा है, वो भी एक्चुअली अगर तुझे याद है उसके पहले मेरा सर्जरी हुआ था और मैंने लगभग 7 महीने क्रिकेट नहीं खेले थे। और चंदू सर ने वो साल बोला था मुझे कि यार तू मैच खेले ना खेले, तू आके हमारे लिए फर्स्ट मैच खेलने वाला है। और मुझे याद है उसके पहले मैंने 1 हफ्ता प्रैक्टिस किया था बस। मैंने 7 महीना बैट नहीं उठाया था, बॉल नहीं डाला था, सिर्फ लिटरली 7 दिन पहले मैंने शुरुआत की थी। और वो इनिंग मेरे लिए भी काफी स्पेशल है क्योंकि मेरा माइंडसेट ये था कि चंदू सर ने मुझे इतना बैक किया है, मैं चंदू सर को कुछ वापस देना चाहता था. दैट वाज माय माइंडसेट. आई वांटेड टू मेक श्योर कि अगर कोई मुझे मेरे में इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि वो जब जाके सिलेक्टर्स उससे सवाल पूछेंगे कि हमने अभिषेक नायर को तेरे बोलने पे खिलाया और बैक किया है, उसने क्या किया. तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और मैंने सोचा यार चाहे कुछ हो ना हो ये मैच मुझे चंदू सर के लिए जिताना है. तो दैट वाज वेयर माय माइंडसेट वाज एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग. ओके, तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा डीके, धवल कुलकर्णी या दिनेश कार्तिक? यार आई डोंट बिलीव इन बेस्ट फ्रेंड बट आई थिंक मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स एंड वैसे मैं काफी लकी रहा हूँ. अगर मैं जो मेरे लिए काफी क्लोज रहे, वैसे तो दिनेश कार्तिक हैज बिकम वेरी क्लोज टू मी इन द पास्ट फ्यू इयर्स बट तू काफी लोग को जानता है, साहिल है, सुशांत है, विक्रांत येली गेट्टी है, these are close friends. श्रेयस अय्यर अभी is literally like a smaller brother. अब ये न्यू जनरेशन में मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं, सिद्धेश, शार्दुल, so there are lots of people I consider close friends. ऐसा नाम लेना शुरू कर दो तो शाम तक अपन चलते रहेंगे. बट अभी बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं. दादा को तो तू जानता ही है, तो कौन नहीं जानता है. तो दादा श्यामल वंडनकर है भाई. दादा को आप सौरव गांगुली मत समझना, नहीं तो इधर सबको लगेगा सौरव गांगुली बोल रहे हो. बट काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे काफी क्लोज रहे और काफी समय से क्लोज रहे क्रिकेट फ्रेटर्निटी में, और वो हमेशा से मेरे क्लोज रहे. तो लिस्ट तो बहुत लंबा है बट आई बीन वेरी ब्लेस्ड विथ हैविंग गुड फ्रेंड्स थ्रू एंड थ्रू माई करियर. राइट. और दिनेश कार्तिक आपने मेंटोरिंग किया और आपके घर पे रहते थे, उसका स्टोरी बताओ जरा. अरे क्विट के भी कितना स्टोरी बताया यार. मैंने इतना ऑलरेडी उनके बारे में बोला है बट देख यार, डीके वाज समवन, जब मैं बोलूंगा मैंने उनको मेंटोर किया, हेल्प किया, बट वो जर्नी में ना काफी लोग इन्वॉल्व थे. मैंने एक पहले भी बोला है, मैं हमें आई डोंट बिलीव दैट क्रेडिट ओनली गोज टू मी. उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट है दिनेश कार्तिक का ही, क्योंकि देख एज कोचेज, एज अ मेंटोर, एज अ फ्रेंड आप बता सकते हो बट करना और ना करना वो आपके स्टूडेंट या वो आपके दोस्त या वो आपके मित्र के ऊपर है. तो आई फील अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू दिनेश. अब मेरे साथ अपूर्व देसाई थे जिन्होंने उनके बैटिंग पे काफी वर्क किया, क्योंकि तब मेरे पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं था जो मुझे सीखने मिला उनके साथ वो समय बिता के. तो देयर वर पीपल हु प्लेड देयर पार्ट्स इन दिनेश कार्तिक रिवाइविंग हिज करियर एंड नाउ बीइंग सक्सेसफुल एंड क्रिएटिंग अ गुड ब्रांड फॉर हिमसेल्फ. सो आई फील वो स्टोरी वैसे ही था यार, जैसे मैंने काफी लोगों को पहले भी हेल्प किया था. मैंने कोशिश की कि उसको आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन लेके आओ, उसके गेम प्लान में उसको मैं एकदम मैंने इतना वर्क करा है कि उसको पता चल गया कि उसका सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, अगर वो क्या करेगा कंसिस्टेंटली वो कैसे परफॉर्मेंस कर सकता है. तो मैंने सिर्फ उतना किया कि उसको अवेयर किया मैंने कि यार तेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, तेरे वीकनेसेस क्या है. और जब भी मुझे ऐसा लगता था कि कुछ टेक्निकल वर्क है तो अपूर्वा देसाई उसके साथ काम करते थे और उसको कहते थे कि उस पे वर्क करके वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे उसको हेल्प करते थे. तो देयर वाज अ कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम एवरीवन, बट उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है दिनेश कार्तिक को, क्योंकि अगर प्लेयर वो एफर्ट नहीं डालता है तो कोच या मेंटोर या जो भी बोले, वो कितना भी रगड़े, कितना भी मेहनत करे, अगर वो प्लेयर से वो एफर्ट ना मिले तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो वो पूरा श्रेय वो दिनेश कार्तिक को जाता है. राइट. ओके, व्यूअर्स को पूछना चाहता हूँ कि आपको किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो. तब तक नायरी मुझे क्वेश्चन है एक कि फिलहाल तो डिप्रेशन के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं और क्रिकेटर हम सब फेलियर से जाते ही है. तो आपको जो भी स्पोर्ट्समैन है, वी विल टॉक अबाउट क्रिकेट ओनली, तो मुझे क्या लगता है जो भी फेलियर से डिप्रेशन में जाते हैं तो उनके लिए आपको क्या करना है? देख यार, ये एक्चुअली काफी क्लोज मैटर है मेरे हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ टू माय हार्ट, इन टर्म्स ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड या मेंटली इल या अनहैप्पी. अगर इसका एक ही शब्द है, समवन हु इज डिप्रेस्ड समटाइम्स इज अनहैप्पी. आई थिंक मेरा सिर्फ ये कहना है कि केपी, फॉर एवरीवन आउट देयर हु फील सैड और फील लोनली, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन अप, टू टॉक अबाउट इट. हम हमेशा क्या करते हैं कि हमारा मेंटालिटी जो है, इंडियन मेंटालिटी, कि हम अक्सर अपने फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करते, खास करके ऐसे फीलिंग जिससे हम लोगों के नजर में वीक पाए जाएंगे. तो हम उसके बारे में कभी जिक्र नहीं करते। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ पोर्ट्रे करें जिससे लोग हमारे बारे में सोचे कि हम कितने स्ट्रांग है, हम कितने इंडिपेंडेंट है, हम कितने रिस्पॉन्सिबल है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यार जो भी हो, जो भी आपके करीब है, जो जिसमें भी आपको विश्वास है, अपने फीलिंग्स के बारे में जिक्र करें और कोशिश कीजिए कि उसका उपाय निकाले। अक्सर मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, अगर आप खुद को सही सवाल पूछोगे आपको जवाब भी सही मिलेगा। अगर आप सवाल खुद को सही नहीं पूछोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो खुद को सवाल सही पूछिए। किसी ना किसी को आप जिसको आप दोस्त समझते हैं, भाई समझते हैं, उनसे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। अगर आपको उससे सोल्यूशन ना मिले तो किसी बाहर वाले को पूछिए, लेकिन यू नो एड्रेस योर फीलिंग्स, एड्रेस योर इमोशंस, उसको दबा के मत रखना। क्योंकि अक्सर ये जो हम गलत कदम उठाते हैं लाइफ में, वो इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर जो 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 फीलिंग्स है ना, दब के रह जाता है और इतना बड़ा एक टाइम पे हो जाता है कि हम उसे गलत तरीके से जिक्र करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि कम्युनिकेट, टॉक, यू नो, बी ओपन अबाउट योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ्स, you know, don't worry about what people will think and say about you, because the world, there's a lot going on in the world, you know, there's a lot of good, bad, everything. Just find your people you trust, people who understand you, and be open with them. Don't hide your feelings. हम लोग बहुत अपना feelings hide करते हैं. Express yourself in whatever way you can, whether that be via message, whether that be calling, whether that be Insta live, video. But make sure someone knows what you're feeling, what you're going through, so someone has the capability or at least can help you in whatever way they can. So just open up and speak. Okay. तो आपने कभी सेल्फ असेसमेंट तो किया ही रहेगा, तो मुझे आप बताएंगे सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या रहता है एग्जैक्टली? कि बहुत यंगस्टर को सेल्फ असेसमेंट मतलब पता नहीं रहता है। देखिए, सेल्फ असेसमेंट ऐसा चीज है केपी की, इट्स ऑल्सो बींग एबल टू सेल्फ असेस। हर इंसान वो सेल्फ असेसमेंट कर नहीं पाता है। किसी किसी के पास वो गिफ्ट होता है, किसी किसी के पास वो मेच्योरिटी समय के साथ आता है, किसी किसी को लोग बोल बोल के समझते हैं, तो इट्स वेरी डिफरेंट। तो ये सेल्फ असेसमेंट की जब आप बात कर रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है ये समझना कि सेल्फ असेसमेंट का सबसे पहला कदम है खुद को सवाल पूछना। आप खुद को असेस कब करोगे? जब आप खुद को सवाल पूछोगे। और वो सवाल क्या होगा कि अगर आप सोच रहे हो क्रिकेट के बारे में या स्पोर्ट के बारे में या लाइफ के बारे में, अगर आप खुद को ये सवाल पूछोगे कि यार मुझे अपने फील्ड में बेहतर खिलाड़ी, बेहतर इंसान, बेहतर इंजीनियर, चाहे जो भी हो, अगर मुझे बेहतर बनना है तो मैं कैसे बनूंगा? अगर आपने वो खुद को सवाल पूछ लिया तो क्या होगा, आपका दिमाग आपको 100 जवाब देंगे। एक बताएगा कि यार आप जाके जंप मारो, आप जाके पुशअप मारो, आप जाके सिटअप मारो, आप जाके पढ़ाई करो, आप जाके XYZ करो। फिर क्या होगा, आप खुद को पूछोगे कि ये मुझे कितना करना है, अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है ये मुझे कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके सहायता से करना है। जब आप खुद को ये सवाल पूछना शुरू करोगे, देन यू गेट ऑन टू द जर्नी ऑफ सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट बोलना बहुत ईजी है कि यार खुद को असेस कर, खुद को समझ, बट वो समझने के लिए आपको किसी को सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर मैंने कुछ गलती किया है, वो गलती मैंने क्यों किया है, वो गलती मैंने कैसे किया है, वो गलती करते वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा था। तब जाके आपका दिमाग इतना, हमारा दिमाग इतना तेज है कि अगर आपने सवाल पूछ लिया तो ऑटोमेटिकली जवाब ढूंढता रहेगा। देन एज अ कोच, देन एज अ मेंटोर, आपको समझना है कि ठीक है यार, इन सवाल और जवाबों में से सही जवाब क्या है और कौन सा जवाब उसको हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद यू गेट ऑन टू द जर्नी ऑफ सेल्फ असेसमेंट। तो थोड़ा सा टेक्निकल है और व्यूअर थोड़े बोर होंगे, बट जब सेल्फ असेसमेंट की बात करते और जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ऑलवेज बिलीव दैट इट इज डीप, इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट, इट्स नॉट समथिंग यू कैन जस्ट से। आप किसी को उठ के बोल नहीं सकते यार खुद को सेल्फ असेस कर और बेटर खिलाड़ी बन। उसके लिए एज अ कोच, एज अ मेंटोर, यू हैव टू नो what part of him do you want him to assess? What part of an individual? What part of me do I want to assess as an individual? किस पार्ट को मैं बेहतर बनाना चाहता हूँ? अभी असेसमेंट बहुत चीज के बारे में होता है, लेकिन किस पार्ट के बारे में, चाहे मेरा ईगो हो, चाहे मेरा गुस्सा हो, चाहे मेरी खुशी हो, चाहे मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो, किस पार्ट को मैं असेस करना चाहता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफी टेक्निकल है। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड सेल्फ असेसमेंट, बी वेरी क्लियर अबाउट विच पार्ट ऑफ यू वांट टू असेस, विच पार्ट ऑफ योर इमोशन यू वांट टू असेस, विच पार्ट ऑफ योर करियर यू वांट टू असेस, with part of your skill you want to assess. Once you understand that, just ask yourself questions. What, why, how? खुद को सवाल पूछोगे, आपको जवाब मिलेगा. और आपको अगर ये नहीं पता चल रहा है कौन सा जवाब चूज करो, स्पीक टू योर मेंटर, स्पीक टू योर फ्रेंड, स्पीक टू योर फैमिली, आपको इसमें कोई हेल्प कर सकता है. राइट राइट. बहुत इन्फॉर्मेटिव लाइव हो रहा है, तो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये. और होपफुली नहीं नायरे, मैंने इतना हिंदी में बात करते हुए कभी देखा नहीं तुझे. आई थिंक केकेआर एकेडमी में जा जाके थोड़ा आदत हो गया. ये कमेंट्री का कला है, कमेंट्री. अरे हाँ, राइट राइट. कमेंट्री में क्या है भाई, उधर हिंदी, मैंने एक्चुअली हिंदी के क्लासेस लगाए थे, तो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है. इधर अपने काफी दोस्त लोग हैं लाइव पे, तो जब मैंने पहले उनको कहा यार मैं कमेंट्री करने वाला हूँ, कमेंट्री शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे पहला चीज क्या बोला उन्होंने, यार तू गाली दिए बिना कैसा कमेंट्री करेगा, तो तुझे तो पता है. तो मैंने बोला हाँ भाई, ये तो पहला मुझे निकालना पड़ेगा अपने जहन से कि मैं गाली नहीं दे सकता हूँ. तो मैंने एक ट्यूटर लगाया और मैंने काफी कोशिश की कि हिंदी में बात करूं थोड़ी, इसलिए अच्छे खासे वर्ड भी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं. तो अभी काफी टाइम से मैंने हिंदी बात नहीं किया, लेकिन अभी थैंक्स टू यू मैं थोड़ा हिंदी में और बात कर रहा हूं मैं. ठीक है ना, लेकिन केपी इतना खराब नहीं है ना, चल रहा है ना हिंदी, मेरे से तो अच्छा ही बोल. ओके, एक का क्वेश्चन है खुशी कपूर, रॉकी बॉलबॉस रोल इन इंस्पायरिंग यू. बिग रोल यार, ग्रेट क्वेश्चन खुशी. आई मीन ऑब्वियसली उसको थोड़ा बहुत जानते हैं मेरे बारे में, शी इज आस्किंग दैट क्वेश्चन. रॉकी बालबोआ फॉर मी, तुझे पता है प्यार से काफी क्लोज लोग मुझे रॉकी वगैरह बुलाते हैं, बट इन माई माइंड, इन जब मैं वो टफ टाइम्स में था, आई ऑलवेज इमेजिन रॉकी बालबोआ फॉर मी. आई मीन फॉर मी वो पिक्चर मैंने कम से कम मेरे ख्याल से 200-300 बार देखा ही रहेगा, हर पार्ट 2, 3, 4, 5. फर्स्ट ने देखा, फर्स्ट बोरिंग है, बट उसके बाद इट्स ऑल्सो बिकॉज आई फेल्ट टू अ लार्ज डिग्री आई कुड रिलेट टू इट, क्योंकि वो उसका लाइफ और उसका जर्नी, सिल्वेस्टर स्लॉन का जर्नी एज एन इंडिविजुअल काफी सिमिलर था मेरे लाइफ से. Not that I haven't achieved as much as him, but मुझे हमेशा एक relatively दिखा, एक I could relate to Rocky Balboa कि Sylvester Stallone as an individual अपने life में उसको इतने कठिनाई हुए. At some point he didn't have a home, पैसा नहीं था, उसके बाद he still fought for what he believed in. You know, जो script था movie का, and every story somewhere or the other I could relate, like the underdog, जिस लोगों को तेरे पे विश्वास नहीं है, मौका नहीं है. So for me, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, मैंने कभी किताब पढ़ा नहीं है, कभी मैंने पढ़ाई लिखाई में ज्यादा कुछ तीर नहीं मारा है, बट एक चीज आई ऑलवेज रिलेटेड टू वाज मूवीज. तो जानता है मैं भी मुंबई टीम में काफी पिक्चर्स लोगों को दिखाते थे, हम लोग साथ में मूवीज देखते थे इंस्पायर होने के लिए. सो थ्रू विजुअल कॉन्टैक्ट मैं काफी कुछ सीखता था, जैसे मेरा आधे लर्निंग्स मूवी से आए, आधे लर्निंग्स रॉकी बालबोआ लोगों से आए, अलग अलग चीजों देखने से आए. सो फॉर मी रॉकी थ्रू माई करियर, इवन द 2013-14 सीजन जब मैंने अच्छा किया था, in my mind I was always Rocky Balboa, as stupid as it sounds right now, but for me although it's just a movie, it played a huge role in my upbringing as a person, my thought process as a person, और मुझे आगे जाके क्या बनना था और किस तरह का इंसान बनना था. I felt I could relate a lot to Rocky. Okay, सुहास का क्वेश्चन है, how you prepare for difficult situation in match before playing, how did you do it? What's your advice for youngster to train their mind? See, I think actually I can say this on this platform. हम लोग काफी coaches और काफी लोग बोलते हैं कि the game is more mental than physical. ऐसे लोग बोलते हैं, but I just want to say मेरा belief क्या है? My belief is the game is more skill based than mental, because जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि हम just for instance मैं केपी तेरा एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं. अगर कोई जैसा तू स्विमिंग कंडीशन में काफी रन बनाता था, यू न्यू देयर वाज अ वे इन विच यू परफॉर्म्ड इन कंडीशन, अगर सेम होता था तू रन बनाता था, बट कभी कभी फ्लैट कंडीशन में तू रन नहीं बनाता था. यू नो एक सीजन था जब तू सेकंड इनिंग में कंसिस्टेंटली रन बना रहा था कंपेयर टू द फर्स्ट इनिंग, करेक्ट. अभी लोग बोलेंगे कि शायद ये मेंटल प्रॉब्लम था, लेकिन मैं मानता हूँ ये स्किल बेस्ड प्रॉब्लम था, बिकॉज समवेयर your skill level wasn't good enough at that point to do well at that point. In the second innings, you knew what the conditions were. You knew exactly तुझे कैसा खेलना है. Why? Because you knew your skill was more accustomed to the situation at that point. So to train your mind for a match, you need to work on your skill. अगर तुझे अगर तेरा 2-3 दिन बाद मैच है और आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो मैच में जाके आपको रन कैसे बनाना है, कंडीशंस कैसे होंगे, बॉलर कैसे होंगे. अब यार अगर बॉलर आउटस्विंगर है, आउटस्विंग बॉलर है जो बार बार आउटस्विंग डालता है, ड्राइव कराता है, लेकिन आप ड्राइव अच्छा खेल नहीं सकते हो, तो अब आपको मेंटली कितना भी आप प्रिपेयर करो, लेकिन अगर आप वो शॉट नहीं खेल सकते हो, आप उसे ओवरकम नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके सोचना पड़ेगा यार अभी आउटस्विंग डालना है, मुझे बॉल छोड़ना सीखना पड़ेगा. बट अगर आपको वो छोड़ना सीखना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको आपके स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा, और आपको बोलना पड़ेगा किसी को कि यार आप मुझे आउटस्विंग खिलाओ और वो बॉल को मैं लगातार छोड़ूंगा, मैं एक ऑफ स्टंप के बाहर लाइन ड्रॉ करूंगा और उसे मैं अपना एक विजुअल क्लू करके यूज करूंगा और मैं प्रैक्टिस करूंगा. आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्किल पे, लेकिन आपको वर्क होएगा मेंटल. सो एवरीथिंग दैट यू वांट टू वर्क ऑन योर माइंड, यू विल हैव टू गो ऑन द फील्ड एंड वर्क ऑन योर स्किल, विच विल ऑटोमेटिकली वर्क ऑन योर माइंड एज वेल. सो इट इज हैंड इन हैंड. You cannot sit in a room and do yoga and say मैं जाके रन बनाने वाला हूँ. It doesn't happen. जब आप perfect repetitions और preparation करोगे, उसके बाद आप योगा करोगे, it will help you breathe better. Yoga will help you breathe better, will help you stay calm, will help you understand your breathing patterns. But when you want to prepare for a match, it is very, very, very important to make sure you go on the field and practice exactly what you want to do in the match. And that is when your mind will prepare and work with your body, and when your mind and body collides, you get perfection, you get results, you get whatever you seek to be. So that is very very important. So अपने skill पे ध्यान दीजिए और आपका game plan जो है उसको strong कराने के लिए उस पे आप जाके practice करते रहिए. तो जितना आप practice करोगे उतना आप बेहतर होंगे. Right. Something interesting सुनने भी लगी. ये तो हमेशा सब लोग मेंटल 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 कर दिए. ये यार देख केपी, मैं भी तुझे एक सवाल अगर पूछूंगा, लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुना है फिलहाल, और लोग मेंटल टफनेस की बात करते हैं, बट व्हाट इज मेंटल टफनेस. अगर मैंने किसी को पूछा व्हाट इज मेंटल टफनेस, वो बोलेगा हाँ 50 for 5 स्कोर है और कोई जाके रन बनाता है. अब वो तेरे लिए शायद मेंटल टफनेस है, लेकिन मेरे लिए एक नथिंग टू लूज एटीट्यूड है. अगर टीम 50 से 5 है, जो बैटिंग करने जा रहा है उस पे कम प्रेशर रहेगा कि ज्यादा प्रेशर होगा? उस पे क्यों प्रेशर रहेगा? क्योंकि 5 जन तो जमा हो चुके हैं, मैं भी आउट होएगा तो कोच क्या बोलेगा, तो वो और फ्रीली खेलेगा. ठीक है, सो इट इज पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू वर्सेज माई पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट, that is only based on skill. So mental toughness is a very relative word. हम लोग काफी loosely use करते हैं उसे, but the impact of mental toughness and how to become mentally tough and what mental toughness actually is a different ball game. उसके लिए अपने को 4-5 घंटा का Insta live करना पड़ेगा, but it's very different. Okay, एक का क्वेश्चन है, नाम नहीं लिखा है, AKS something लिखा है. सर व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस ड्यूरिंग बैटिंग. यार अभी ये पहला तो चीज मैं ये बोलूंगा, मैं आपको अभी एकदम बेसिक आंसर दूंगा उसको, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा टेक्निकल आंसर दूंगा ना तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, आप वैसा सोचने की कोशिश करोगे. और आप, तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और हम अक्सर लोगों को कहते हैं इज टू ट्राई एंड बी इन द प्रेजेंट. और उसका मतलब ये है कि ट्राई एंड थिंक अबाउट द नेक्स्ट बॉल. सो मैंने एक्चुअली किसी से सुना था, और मैंने, मेरे ख्याल से जस्टिन लैंगर या रिकी पॉन्टिंग ने अपने किताब में लिखा था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन क्रिकेट इन जनरल फॉर अ बैट्समैन इज द नेक्स्ट बॉल. सो उसके पहले क्या हुआ, उसने मुझे बीट किया, अगर किसी ने आपको बीट किया तो थिंक अबाउट इट, क्विकली थिंक अबाउट इट, मैं बीट क्यों हुआ, मैंने क्या गलती किया, थिंक अबाउट इट, उसका आप सोल्यूशन निकालना और भूल जाना. बट वेन द बॉलर इज एट इज मार्क और वो तैयार हो गया आपको बॉल डालने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट पॉइंट इज टू रिमाइंड योरसेल्फ इज फोकस ऑन दिस बॉल. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितना समय आप प्रेजेंट में रह सकते हो और कोशिश कर सकते हो कि अब मेरे सामने क्या चैलेंज आने वाला है उस पर मैं ध्यान दूं, यू विल बी एबल टू ओवरकम इट। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे और आप सोचते रहोगे यार मैं पिछला बॉल बीट हो चुका हूं, ये बॉल में भी मैं शायद बीट होऊंगा, ये बॉल वो इनस्विंग डालेगा या आउटस्विंग डालेगा, तो फिर आधा गेम आप वैसे भी हार चुके हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार जो हो चुका है, अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं अपने माइंड में ट्रिगर जो भी एक हर खिलाड़ी का होता है, फोकस ऑन द बॉल या फोकस ऑन योर स्टांस, इनिशियल मूवमेंट का टाइमिंग सही करना है, मुझे स्टंप का बॉल खेलना है या बॉल इन स्विंग आ सकता है, मुझे डिफेंड करना है, जो भी है, गो थ्रू इट, थिंक अबाउट इट, clear it and then focus on the ball that is going to be delivered to you, because that is the most important thing you're going to face at that particular time. So focus on the next ball, have clarity in your mind, clear, if दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है साइड पे हट जाना, बॉल मत खेलना, but when you're playing that ball you have to be only thinking about how you're going to play that ball to the best of your potential. That is the key. ओके हम अभी रैपिड फायर क्वेश्चन खेलते हैं, आप रेडी हो? रेडी। जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसका डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल का बोलना है, ठीक है? तो फेवरेट बैट्समैन, सिर्फ अगर टीम बताऊंगा तो मुंबई छोड़ के, मुंबई और इंडिया छोड़ के, मतलब दूसरे स्टेट्स के बोलना है, दूसरे स्टेट्स और कंट्रीज के बोलना है। तो फेवरेट बैट्समैन वो तो ठीक है, नॉर्मल अपने इंडिया के बोले तो चलेगा। So I have two now currently. So for me, my favorite is I love watching Rohit Sharma bat. For me, जब से वो मेरे साथ खेलते थे पहले से भी I used to enjoy watching him bat. So Rohit Sharma. और domestic में? Domestic में देख मैं श्रेयस का नाम नहीं लूंगा क्योंकि एकदम खास है अपना, तो मैं फिलहाल मैं अगर किसका नाम लूंगा तो है शुभमन गिल। ओके और फेवरेट बॉलर? फेवरेट बॉलर इंटरनेशनल करंटली पता नहीं यार, ये तो एक्चुअली टफ क्वेश्चन है। बुमराह, जसप्रीत बुमराह। सॉरी क्यों सोचा इतना, मैं बाहर सोच रहा था। जसप्रीत बुमराह बाय फार। डोमेस्टिक फेवरेट बॉलर फिलहाल बुमराह डोमेस्टिक भी होता है वैसे, नहीं खेल रहा है ना अभी तो, उसको अलाउड नहीं, तो इंटरनेशनल नहीं खेला है, डोमेस्टिक जो इंटरनेशनल नहीं खेला है तो थोड़ा नहीं, मैं ऐसे किसी का नाम लेता हूँ जो खेला नहीं है। तो हाल ही में एक्चुअली मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया मैंने, जो मुझे ऐसे लगता है कि हैज अ ग्रेट फ्यूचर, बट कमलेश नागरकोटी मुझे लगता है कि इज समवन स्पेशल फॉर द फ्यूचर। ओके फेवरेट ऑलराउंडर एंड फील्डर? Favorite all-rounder in the world is Ben Stokes, and fielder दो है, कमलेश नागरकोटी, रिंकू सिंह, दोनों मेरे लिए सॉलिड फील्डर्स है। कमलेश बहुत अच्छा फील्डिंग करता है, बहुत अच्छा, मतलब मैं उसको एक्चुअली जडेजा का जो हम जडेजा को मानते हैं एट पार विद जडेजा। अच्छा बहुत तेज है, बहुत। अनिकेत चौधरी के साथ भी किया और ऊपर से नागरकोटी फास्ट बॉलर है और अनिकेत दोनों राजस्थान को खेलते, तो उसने भी बोला नागरकोटी बेस्ट फील्डर, तो मैं बोला मेरे फास्ट बॉलर है, बोले इतना अच्छा फील्डिंग, वो लाइटनिंग है, लाइटनिंग, मतलब फील्ड पे भाई उसने, हम लोग क्योंकि थोड़े मैचेस खेल रहे थे और मैंने सुना था पहले उसके बारे में काफी, बट जब मैंने उसको ऑन फील्ड देखा और मैं उसको एक बार फील्डिंग प्रैक्टिस दे रहा था, तो हम क्या करते हैं फील्डिंग प्रैक्टिस देते हैं तो हम कोशिश करते हैं ना कि उसको थोड़ा भाग के डाइव मार के, मैंने जितना दूर मारा साला हमेशा पहुंच जाता था और डाइव मारे बिना पकड़ लेता था। अच्छा। बहुत तेज है यार। और मुझे और एक मैच याद है, श्रेयस सर में बैटिंग कर रहे थे, डीवाई पाटिल फाइनल और रिलायंस वर्सेज बीपीसीएल, और श्रेयस सर में डीप मिड विकेट पे बड़ा बाउंड्री पे मार रहे थे और दो भाग रहे, टच किया, घूमे, उसका थ्रो आ जाता था, तो हम लोग ने बोला भाई ये कर क्या रहा है, स्कूटर पे आ रहा है बॉल पकड़ने के लिए कि भाग क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा था हमें। बहुत तेज है वो, बहुत तेज फील्डर है वो। ओके और ऑलराउंडर डोमेस्टिक का नहीं बोला? डोमेस्टिक का अभी फिलहाल मैं काफी हाईली रेट करता हूँ शिवम दुबे को। ओके आपकी फेवरेट टीम? इंडिया। इंडिया छोड़ के, डोमेस्टिक मुंबई छोड़ के ना तू बोल रहे हैं? हाँ, मुंबई छोड़ के और इंटरनेशनल इंडिया छोड़ के। मुंबई छोड़ के यार आई थिंक कर्नाटका जो क्रिकेट खेल रहा है फिलहाल, इट्स वेरी प्लीजिंग टू दी आई एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। मुझे बहुत मजा आता है उनका क्रिकेट देखने के लिए। सो कर्नाटका फॉर मी इन डोमेस्टिक। इन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया व्हेन दे आर ऑन सॉन्ग फुल साइड, जो साइड वर्ल्ड कप खेला और जो इंडिया आया था, मुझे बहुत पसंद है। आपका रोल मॉडल? रॉकी बालबुआ। क्रिकेट नहीं, कोई नहीं। मेरा यार, मेरा ऑनेस्टली केपी का भी कोई रोल मॉडल रहा नहीं है, क्योंकि यार मुझे ऐसे कोई इतना विचित्र क्रिकेटर दिखाई नहीं है। या मुझे पता था यार मैं नॉर्मली रोल मॉडल कैसे होते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे को इसकी तरह बनना है। मुझे ऐसा कभी दिखाई नहीं कि यार मैं इसकी तरह बन सका हूँ, क्योंकि जो भी रोल मॉडल थे वो इतने अच्छे थे कि अगर मैं सोचता भी था तो मुझे पता है मैं पहुंच नहीं सकता हूँ। तो मैंने हमेशा कैरेक्टर ऐसे फिक्शनल पकड़े, रॉकी पकड़ा है या कोई पिक्चर के पकड़े, हमेशा कोई अलग। क्रिकेट में से कोई मेरा ऐसा रोल मॉडल रहा नहीं है। ओके, फेवरेट कोच? टफ हुआ ना। दो है जिन्होंने एक्चुअली, यार मैं फेवरेट कोच मैं चार लूंगा, क्योंकि मैं इसमें झूठ, क्योंकि जब छोटा था नरेश छुरी बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। उसके बाद प्रवीण आमरे, जिनकी वजह से मैं खेल पाया जो भी मैं खेला, वरना मैं खेलता नहीं था। चंदू सर, जिन्होंने मेरे को डंडे से सिखाया, फिर प्यार से संभाला लेटर ऑन में करियर। तो पहले बहुत ही हम लोग का झगड़ा होता था, जब अंडर 19 के कोच थे हम लोग ने बहुत झगड़ा किया, बहुत एक दूसरे को हमने उल्टा सुल्टा बोला है। बट जब उसके बाद जब लास्ट हाल ही में मुंबई के कोच बन के आए थे, मैं ऑलमोस्ट ड्रॉप होने वाला था, बट उन्होंने मुझ में इतना कॉन्फिडेंस दिखाया और लिटरली मेरा करियर रिवाइव किया उन्होंने उस समय में। तो चंदू सर, और चौथे जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे थ्रू माय करियर, किंजल सूरतवाला। ये चार जन इन माय करियर हैव प्लेड इंस्ट्रूमेंटल रोल्स एट मी, इंस्ट्रूमेंटल रोल्स इन मेकिंग मी हू आई एम टुडे, एंड जो भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूं उनकी वजह से। और नाना सर हैज आल्सो प्लेड अ रोल, बट दीज गाइज हैव प्लेड मच बिगर रोल्स इन माय लाइफ। ओके, आपका फेवरेट फूड सुशी है क्या? सुशी पसंद है, बट सुशी बट अमीरों वाला खाना है। बट यार मुझे ना सबसे अच्छा महाराष्ट्रियन फूड पसंद है यार, मतलब मराठी फूड। यार मुझे पागल हो जाता हूँ मैं अगर मेरे को महाराष्ट्रियन फूड मिला, कुछ भी, मतलब नॉर्मल जो महाराष्ट्रियन नॉर्मल घरों में भी बनता है ना, अगर फिश वगैरह मिला तो और भी मजा आता है। बट अगर मुझे महाराष्ट्रियन फूड बहुत पसंद है। अभी तो यार लॉकडाउन में ये खाने का मत पूछ, मुंह से पानी आएगा मेरे। बट मेरा नया घर हो जाएगा तो ये बुला दो तो भी आ जाएगा। हाँ पक्का, मैं बड़ा फैन हूँ भाई महाराष्ट्रियन फूड का। ओके, फेवरेट ड्रिंक? तेरा भाई हॉट वाटर। तू तो जानता है कि मैचेस के टाइम की अभिषेक नायर वार्म वाटर पीते। अगर थोड़ा भी गलती हो गया तो हम बहुत गाली खाते थे वो टाइम में। तो मुझे जो सब्स्टिट्यूट से हेट करते थे, क्योंकि मेरे लिए एक अलग से बकेट हुआ करता था जिसमें गर्म पानी होता था, और चाहे 45 डिग्रीज हो या 50 डिग्रीज में खेल रहे हम, तो उनको बेचारे लोग को वो गर्म पानी डालना पड़ता था वो बकेट में, और फिर पकड़ के भाग के लेके आना पड़ता था। और पानी अगर गर्म नहीं होता था तो फिर मैं गर्म हो जाता था, तो बेचारे बहुत गाली देते थे। और गलती से वही बोतल दूसरे को दिया तो वो भी गाली मिलता था। हाँ वो सर बहुत फनी था यार। मुझे याद है अपना एक नाथ केरकर बहुत गाली देता था मुझे, बोलता क्या ये बार बार गर्म पानी पीता है, अरे पीना सादा पानी, गर्म तो है इतना बार पड़ा। ओके, तो सचिन तेंदुलकर पाजी का लास्ट मैच जो हम खेले थे लाली में, तो उसके बारे में जरा बताओ, मेमोरी शेयर करो जरा। यार काफी स्पेशल था यार, क्योंकि देख मैं काफी एक्चुअली खेला पाजी के साथ। मुंबई इंडियंस में भी मुंबई के लिए भी हम इकट्ठे खेले काफी, यू नो मैं तीन फाइनल उनके साथ जीता मैं रणजी ट्रॉफी। बट वो मैच में ना यार केपी, उसके पहले एक्चुअली हम लोग, अगर तुझे याद है, एक गेस्ट हाउस में रुके थे और बट जो समय तब बिताया ना, और जो इनिंग खेले वो जो लास्ट इनिंग था, तब जाके यार मैंने काफी सॉलिड इनिंग्स देखा उनके। बट वो इनिंग के बाद है ना मुझे ऐसा लगने लगा कि यार इसीलिए पाजी इतने ग्रेट है यार, क्योंकि वो कंडीशंस में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया, और जिस तरह से उन्होंने जिताया हमें उस मैच में काफी स्पेशल था यार। तब मुझे रिस्पेक्ट तो हमेशा से था, मुझे पाजी के लिए हमेशा से है और रहेगा, बट उस दिन एज अ प्लेयर मुझे लगा कि यार इतने साल क्रिकेट खेलने के बावजूद at the end of his career to play that sort of a knock, to show that sort of greatness, वो भी तुझे याद है आउटफील्ड इतना स्लो था कि अगर बॉल मारते थे साला चौका भी नहीं जाता था, ऐसा आउटफील्ड था। एक ही बाउंड्री गया था, सब भागना था। जो इनिंग खेला उन्होंने यार, बाप रे, मतलब यार फॉर मी मैं पागल हो गया था यार, मैं पागल हो गया था। मतलब फॉर मी आई थिंक इट विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि वी वर पार्ट ऑफ something so memorable for him also personally and for all of us. So for me it was just all those years of playing with Paji, all coming together, all those emotions. मेरे लिए तो एक यादगार था, और because we are talking about it right now, it comes back to me and it makes me feel like I was part of something special, and we have been lucky to play with someone of that stature, someone of that greatness, and someone of that skill set. I think we were just lucky. Right. अभी आप केकेआर के असिस्टेंट कोच हो, एकेडमी के भी हेड कोच एंड मेंटर भी हो, तो ये नया एक्सपीरियंस आपको कैसे लगा? मस्त है यार, मतलब मैं इतना ग्रेटफुल हूँ क्योंकि जब मैं मुंबई टीम से ड्रॉप हुआ था 99 गेम में, तब मैं साला सोच रहा था लिटरली पहले 3 दिन ऐसा था कि यार जिंदगी खत्म हो गया मेरा, मुझे पता नहीं था क्या करूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था यार कि इतने साल खेल चुका हो क्या। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स तू भी जानता है कि जब व्हेन अ क्रिकेटर कम्स टू द एंड ऑफ हिज करियर, जो आई वाज ऑलवेज कमिंग टू द एंड ऑफ माय करियर, आपको ये नहीं पता चलता कि उसके बाद आपको क्या करना है। वो एक हमेशा रहता है कि मैं क्या करूं यार उसके बाद। पीपीसीएल में जॉब था बट 9 to 5 तो करना बहुत मुश्किल था, तो मैं सोचा क्या करूंगा। तो उस समय लकीली दिनेश का अच्छा हुआ, एमपीएल हुआ और कमेंट्री शुरू हुआ मेरे लाइफ में, और मुझे ये मौका मिला कैप्टन बना डीके केकेआर का। और फनी पार्ट क्या था वो पूरे इसमें कि जब वेंकी सर जो सीईओ है उन्होंने डीके को पूछा था कि यार मुझे पता है तेरा और अभिषेक का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बट क्या लगता तुझे उसके बारे में, क्योंकि उस समय काफी कुछ बातचीत हुआ था, क्योंकि डीके का वो अच्छा हुआ था और काफी इंटरव्यूज बाहर आए थे, फिर रोहित का आया था, श्रेयस का आया था, तो उन्होंने उसको डीके को पूछा था यार डीके तुझे क्या लगता है हमें उसको रखना चाहिए क्या। तो डीके ने बोला आप मुझे मत पूछो, ये आपका कॉल है, आप बाकी दुनिया से फाइंड आउट करके आप अपना असेसमेंट करना। तो जो फर्स्ट ईयर था उन्होंने मुझे कहा कि आप आके कोच काम कीजिए हमारे साथ, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो फॉर मी मैं सारा डर गया था, मैं सोच रहा था यार मैं अभी भी खेल रहा था क्योंकि रणजी ट्रॉफी, और अब मुझे जाके केकेआर के डगआउट में बैठा है, एंड्रे रसेल है, सुनील नारायण है, क्रिस लिन है, बड़े बड़े खिलाड़ी है, लॉकी फर्ग्यूसन है, मैं बोल रहा था यार मैं जाके क्या बताऊंगा उनको, मैं क्या डिस्कस क्या करूंगा। सो फॉर मी इट वॉज वेरी ऑकवर्ड, बट जब मैं वहां पहुंचा और मैंने वो फैमिली कल्चर देखा, जाक कैलिस कोच थे, साइमन कैटिच थे, तो जब मुझे उन्होंने इतने ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया तब मुझे ऐसा लगा यार इफ आई हैड टू बी समवेयर इन माय करियर एट दिस पॉइंट इट वुड बी केकेआर। तो लास्ट 3 साल जो मुझे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, फिर मुझे सीपीएल लेके गए लास्ट ईयर, जैसे मैंने कहा मैं कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी ट्रिंबागो नाइट राइडर्स के साथ था, तो मुझे जो एक्सपोजर मिला है इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल, लीव अलोन अ कोच, अभी ब्रेंडन मकलम के साथ काम करने मिला है, डेविड असी, कायल मिल्स, गेटिंग टू वर्क विद सो मेनी प्लेयर्स हैव अचीव्ड सो मच इन देयर करियर, प्लेइंग विद प्लेयर्स हु आर ग्रेट इन देयर ओन रिगार्ड, मुझे बहुत सीख मिला है। एंड आई फील मोर देन एनीथिंग केपी जो हमारे सीईओ है वेंकी माइसोर, जितने लविंग, केयरिंग और जो फैमिली कल्चर उन्होंने रखा है इस टीम में, शाहरुख खान, जय मेहता, मैं मानता हूँ इन सब ने जो एक कल्चर डेवलप किया केकेआर में, आई थिंक टू बी पार्ट ऑफ दैट फॉर मी इज वेरी स्पेशल एट दिस पॉइंट, एंड आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू गॉड that I have this opportunity, and I get to spend time with such great people all the time and learn every time I have a conversation with them. So, मेरे लिए I'm just very lucky and grateful and thankful to God. Okay, तो आपको कौन सा player ऐसा लगता है जो domestic में वो आगे बहुत बड़ा player बनेगा? जी बहुत simple है मेरे लिए और जवाब शुभमन गिल मेरे ख्याल से is the next big thing in Indian cricket. If he gets the opportunities. मैंने ये एक्चुअली श्रेयस के बारे में बहुत साल पहले बोला था, काफी टाइम तक रोहित भी जानता है, एंड आई फील ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग. आई मीन ही इज एज गुड एज इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ अ बैट्समैन, लेवल हेडेड, हार्ड वर्किंग, just a terrific all-round individual. So I think Shubman Gill मेरे लिए in terms of a batsman, मेरे पास बहुत सारे there are lots of young upcoming bowlers as well. हमारे chat पे एक है संदीप वॉरियर, who I feel will make a great test bowler. And I hope he gets an opportunity soon. Kamaleesh Nagarkoti, शिवम मावी, शार्दुल तो हमारे दोस्त है ही जो अच्छा कर रहे हैं फिलहाल डोमेस्टिक क्रिकेट में, बट दिस अनदर गाय आई फील हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट आई होप ही स्ट्रक्चर्स हिज करियर वेरी वेल एंड थिंक्स राइट. तुषार देशपांडे, आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम हिम एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम, बट आई रियली होप दैट ही keeps growing and getting better in time, and there are lots of good young fast bowlers in India today, and I hope that some of these guys go on to play for India and make a name for themselves. Okay, so last question, what do you want to say about me? So KP, for me, I think it's always been so if I have to be honest, what I've always admired about you is the fact that you have always found a way to play with your skill set. When I say that, I would relate you to me, because we aren't the most attractive players, we aren't the most gifted players, but we've worked very hard, and I think that's something that I saw a lot in you, that you worked very hard on your game. Even when you came into the Ranji Trophy team, you learned to play with your strengths a lot, so you always played on your strengths, you understood your game a lot more, and I really felt that you were a team man, because a lot of times you did a lot of things that there are players in the team जो हमेशा टीम के लिए कुछ ना कुछ करते हैं लेकिन उनको उनका क्रेडिट नहीं मिलता है. बहुत सारे साल के लिए मैं भी ऐसे खिलाड़ी था जो टीम में करते रहता था, और काफी लोग काफी कुछ उन्होंने अचीव किया अपने लाइफ में, लेकिन हम अचीव नहीं कर पाए. बट यू आर वन ऑफ देम हु कुड कॉन्स्टेंटली प्ले दोज डर्टी रोल्स फॉर द टीम, चाहे वो फिर आके गंदे बॉल से बॉलिंग डालना हो और विकेट निकालना हो, जैसे तूने राजस्थान में 2 विकेट चटकाए थे, और चाहे वो जाके एक ऐसे टाइम में बैटिंग करना हो जब टीम को बचाना है और तू कुछ रन नहीं बना सकते है. So I think you've always played that dirty role, and you've always taken it with a smile. I think the one thing that we always तेरे मूड स्विंग्स हुआ करते थे, बट यू ऑलवेज स्माइल्ड एंड एंजॉयड बीइंग पार्ट ऑफ द टीम एटमॉस्फेयर, एंड आई थिंक योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट आई फील टेकिंग आउट ऑफ योर करियर इज द फैक्ट दैट यू ऑलवेज बीन अ टीम मैन, यू ऑलवेज प्लेड टू विन, एंड यू ऑलवेज प्लेड विद द राइट इंटेंशंस, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्रिकेटर. परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस नहीं होता है, आदमी अच्छा बनता है, नहीं बनता है, but playing for the right reasons, playing with the right attitude, and being liked by our teammates, I think is something that you've really been able to achieve, and I feel you should be proud about that. So for me, I think that was your greatest quality. Also, जब तू DY Patil के लिए खेलता है या जब तू Tatas के लिए खेलता है, the other thing I like about you is the fact that you play the same way you play Ranji Trophy. A lot of times क्या होता है जब हम रणजी ट्रॉफी खेलते हैं या थोड़ा बड़ा लेवल खेल के नीचे आते हैं तब वो इंटेंसिटी के साथ खेलते नहीं, बट मैंने तेरा वो हमेशा से देखा कि जब भी तू खेलता है तू इंटेंसिटी के साथ खेलता है. यू आर नेवर अफ्रेड ऑफ अ फाइट ऑन द फील्ड, you're someone who is very who will confront if required. अगर वो बड़ा खिलाड़ी भी हो या छोटा खिलाड़ी भी हो, आई फील यू ऑलवेज बीन समवन की बिंदास घुसता है और बात करता है या बोलता है जो बोलना है. सो आई फील दोस थिंग्स आई रियली लाइक अबाउट यू, एंड मैं बोल रहा था नाउ दैट यू आर ऑन द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ कोच एंड यू स्टार्ट इन योर ओन अकेडमी, यू गॉट योर स्टूडेंट्स, आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू एंड फॉर योर स्टूडेंट्स इज to try and get the best out of them. As students हम लोग क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे तरह बनने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें फॉलो करें. तो मेरा एक सीख था जो मैं तुझे कहना चाहता हूँ, विच विल हेल्प यू इन योर कोचिंग एक्सपीरियंसेस. ट्राई रियली हार्ड नॉट टू मेक द क्रिकेटर लाइक यू, बट ट्राई टू मेक द क्रिकेटर द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ. So I think now that you're going to coach and you're going to experience so many things, and तू जितना कोचिंग करेगा तू और बेहतर होता जाएगा और अच्छा होता जाएगा, and you will share and spread your knowledge. एक चीज याद रखना, अपने थॉट्स, अपने जो सोच है, विचार है, वो हमेशा से प्लेयर को अपने स्किन में सबसे अच्छा क्रिकेटर बनाने में होना चाहिए, ना कि वो क्रिकेटर हमारे तरह या हमारे नजर होना चाहिए. सो आई थिंक Johnny, I want to wish you a lot of luck because I know you'll be someone who'll do really well because you're passionate about whatever you do and you'll do it to the best of your potential. So you know, do it honestly, enjoy it. I'm sure your students will really benefit from your hard work and you know a lot of good things that you can pass over in your way of preparation, in how you approach the game, your sincerity. Even though shining the ball was something was never necessary, but you always did it. So these small things, I feel that is something you can teach your students because you know being selfless is something that is something as coaches we can is the one thing. बाकी कुछ सिखा सकते हैं या नहीं सिखा सकते, but being selfless and being a team man हम लोग हमेशा सिखा सकते हैं. So try and enjoy that journey and I wish you all the very luck for it. Thanks, Mayuri. Last message for all the youngsters. एक छोटा सा एक मोटिवेट जो हमेशा हमें करते हो वैसे एक लास्ट. अरे यार वो एक्चुअली यार वो इजियर कैसा था क्योंकि मैं तुम लोगों को जानता था तो मैं मोटिवेट कर सकता था. बट ऑल आई एम गोना टेल यू, आई एम गोना टेल ऑल आई एम गोना टेल एवरीवन. और केपी वैसे मेरे मोटिवेशनल मैसेजेस में गाली बहुत रहते थे तो मैं विदाउट गाली ट्राई करूंगा. हर एक लाइन के बाद वो इम्पैक्ट वाले वर्ड जो है ना वो मुझे अभी बीप डाल दूंगा. हाँ तो basically all I'm going to tell all you youngsters sitting at home watching this for the 45-46 viewers who are here is for everyone, not only if you're a cricketer, if for anything you do in life, just remember there's something that I say a lot और मैं एक चीज में विश्वास बहुत करता हूँ is in life no matter what you do work towards excellence. Don't work towards getting results in life. Don't work towards being a person to impress someone else. Live life on your terms. Live life to be the best version of yourself. Be the best version of Kaustubh Pawar. Be the best version of Abhishek Nayar. Do things with sincerity. Do things with honesty. Try not to hurt people around you. Try to understand everyone around you. Sabke emotions, sabke thoughts. Try to be kind. Help someone. There is always someone who can do with your help. अगर आपके पास power ना हो help करने का तो भी आप छोटे-छोटे चीजों में try to help someone, try to make a difference to one person's life. There is so much happening in this world today. Try to do one small thing that can make a difference to someone's life. If that can be picking up the phone and telling someone you love them, if that may be picking up the phone and telling someone that you matter to them, do anything you can to make a difference to someone's life. You know, there is a lot of things going on in the world today with corona, uncertainty, people losing jobs. Just remember that this is just momentary. If we can stick together, if we can look after each other, a time will come when we will recover. We will be stronger as a unit, we will be stronger as people, and we will be able to make a difference to everyone's life. So be happy, smile, enjoy, and hopefully I'll see everyone who was on this chat in person someday and have a conversation. But thank you for listening to us and bearing with all the gyan. सबको पता रहेगा अभी अभिषेक नायर कैसे मोटिवेट करते. नायर कभी सोचा नहीं कि पॉलिटिशियन में जाने का? कभी तेरे को ऐसा लगता है मैं पॉलिटिशियन बनूंगा? क्योंकि अगर मैं बना तो एक चीज पक्का है कि मुझे 15-20 दिन में कोई ना कोई गोली मारेगा. क्योंकि तू जानता है अगर अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उल्टा सुल्टा बोल दूंगा. तो अगर मैंने बोल दिया तो फिर तुझे तो पता. पॉलिटिक्स के लिए भाई डिप्लोमेसी चाहिए. अपने में डिप्लोमेसी का वो बटन नहीं है. प्रॉब्लम वो है. राइट. ओके, थैंक्स नायरी फॉर कमिंग. बहुत मजा है और आपके जो एक्सपीरियंस शेयर किए वो मुझे भी काम में आएंगे आगे और बाकी सबको तो आते ही रहेंगे. तो वंस अगेन थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर हैविंग मी. ऑल द बेस्ट फॉर योर कोचिंग. स्टे सेफ. स्टे सेफ बडी. बी कूल. बाय.